नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे और दोस्तों आपकी दुआ से मैं भी अच्छा हूँ। दोस्तों मैं हूँ प्रहलाद और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल टेक्निकल साइंस एक्सपेरिमेंट। दोस्तों आज हम जानेंगे किसी भी उपकरण का एम्पियर वोल्टेज और वाट कैसे निकाला जाता है। तो दोस्तों आज का टॉपिक हमारा यही रहेगा। दोस्तों इसे समझने के लिए मैं ड्राइंग के माध्यम से आपको मैं बताऊंगा किसी भी उपकरण को एम्पियर वोल्टेज और वाट कैसे निकाला जाता है। दोस्तों चाहे वो छोटी सी एलईडी लाइट ही क्यों ना, चाहे वो गीजर ही क्यों ना या फ्रिज ही क्यों ना, चाहे कोई भी इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट हो, आप उसका एम्पियर और वोल्टेज और वाट आसानी से निकाल सकते हो। तो दोस्तों इसे समझने के लिए वीडियो लास्ट के अंत तक देखना होगा। और दोस्तों यदि आपने ये वीडियो देख लिया तो आपको किसी प्रकार की कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है एम्पियर वोल्टेज और वाट कैसे निकाला जाता है। तो दोस्तों आपका समय वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। अब दोस्तों मैं आ गया हूँ ड्राइंग पे। अब मैं आपको ड्राइंग के माध्यम से समझाने की कोशिश करूँगा एम्पियर वोल्टेज और वाट कैसे निकाला जाता है। तो दोस्तों इसके लिए मैंने सूत्र तैयार किया है, सूत्र 1, 2, 3। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सूत्र नंबर 1, सूत्र नंबर 2, सूत्र नंबर 3। लेकिन दोस्तों इस सूत्र के बारे में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले एक चित्र के माध्यम से मैं आपको बता देता हूँ। तो ये मैंने एक त्रिभुज का चित्र बनाया। सबसे पहले त्रिभुज का चित्र बना लेना है। तो यहाँ पे W से वाट है, तो यहाँ पे वाट मैंने लिखा है, और I से एम्पियर हो गया, और V से वोल्टेज हो गया। तो दोस्तों इसमें आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ये आपको समझ जाना चाहिए। तो दोस्तों इस तरीके का आपको त्रिभुज बना लेना है, त्रिभुज से आप काफ़ी आसानी से समझ जाओगे। तो दोस्तों सूत्र के बारे में बाद में बात करूँगा। तो दोस्तों मान लेते हैं हमारे पास 100 वाट का बल्ब है। तो ये है हमारे पास 100 वाट का बल्ब। तो दोस्तों इसी के आधार पर हम चलते हैं किस तरीके से एम्पियर वाट और वोल्टेज निकाला जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम निकालेंगे एम्पियर। तो हमें निकालना सबसे पहले एम्पियर। तो एम्पियर है, तो एम्पियर को मैं उंगली रख देता हूँ इस तरीके से। तो एम्पियर का सूत्र हमारे पास ये है, एम्पियर डब्ल्यू भाग और वी वोल्टेज। तो हमें निकालना है एम्पियर। दोस्तों एक बार मैं आपको निकाल के बता देता हूँ, उसके बाद आप आसानी से आप समझ जाओगे। तो मैंने फर्स्ट नंबर का सूत्र मैंने यहाँ पे लिया है एम्पियर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 100 वाट का बल्ब है हमारा, तो यहाँ पे मैंने 100 लिख दिया है, तो 100 वाट का बल्ब हो गया। 100 भी ले सकते हो, 200 भी ले सकते हो, जो आपके उपकरण है उतना आप इसमें वैल्यू पुट कर सकते हो। तो मैंने अभी 100 लिया आपको दिखाने के लिए, तो 100 से आप आसानी से समझ जाओगे, ठीक है। उसके बाद हमारा ये भाग है, भाग का साइन 240 वोल्टेज है। तो दोस्तों यहाँ पे दो चीज़ पता होनी चाहिए, तीसरी चीज़ आप आसानी से निकाल सकते हो। तो दोस्तों हमें 100 वाट का बल्ब है, मतलब वाट पता चल गया है, और वी 240 वोल्टेज, तो वोल्टेज पता हो गया, तो तीसरी चीज़ आप आसानी से निकाल सकते हो। तो मुझे दो चीज़ पता है, तो तीसरी चीज़ में एम्पियर आसानी से निकल जाएगा। तो अब एम्पियर कैसे निकलेगा? तो दोस्तों यहाँ पे 100 है, 100 को मैं भाग देता हूँ मैं 240 का। तो यहाँ पे आपके सामने कैलकुलेटर है, इसी के माध्यम से मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पे 100 है भाग 240, ये बराबर, तो यहाँ पे आया है 41.0166। तो ये है इसका एम्पियर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0.41166। दोस्तों इसको इस तरीके से भी बोलते हैं 0.41666। तो ये दोस्तों ये अनंत तक हो रहा है अभी। तो दोस्तों आप समझ चुके हैं 0.41166। तो दोस्तों ये है इसका एम्पियर। तो यहाँ पे एम्पियर निकल गया। तो दोस्तों अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया हमें दो चीज़ का पता होना चाहिए। तो हमें यहाँ पे दो चीज़ का पता चल गया, हमें वाट पता चल गया, वोल्टेज पता चल गया, तो हमारा एम्पियर निकल गया। इसी तरीके से हमारा निकल जाता है। तो अब दोस्तों अब मैं बात करता हूँ हमें वोल्टेज निकालना है। तो यह हमें वोल्टेज हमें पता नहीं है, अब हमें वोल्टेज पता नहीं है, तो वोल्टेज को हम एक बार भूल जाते हैं। हमारे पास 240 वोल्टेज है, तो इसको हम भूल जाते हैं 240 को। तो अब हमारे पास क्या चीज़ है? 100 वाट का बल्ब, वोल्टेज निकालना है हमें। तो हमारे पास है 100 वाट का बल्ब। सूत्र नंबर 2 की बात करते हैं, ठीक है, और एम्पियर हमारा है भाग करते हैं, एम्पियर हमारा है 0.41666। अब दोस्तों इसको मैं इसमें भाग देता हूँ तो हमारा वोल्टेज पता चल जाएगा। तो दोस्तों हम करके देखते हैं। तो मैं इसमें करता हूँ 100 भाग करता हूँ और एम्पियर 0.4166। अब दोस्तों इसको मैं भाग करता हूँ और बराबर दबाता हूँ, तो दोस्तों यहाँ पे निकल गया 240।
वोल्टेज, तो यहाँ पे 240 वोल्टेज निकल गया, 240 वोल्टेज। दोस्तों यहाँ पे हमें दो चीज़ पता होनी चाहिए, तीसरी चीज़ ऑटोमेटिक हमें पता लग जाएगी। अब दोस्तों सूत्र नंबर 3 की बात करते हैं, ये 3 की, तो दोस्तों अब हमें पता नहीं है कि वाट क्या है, तो ये 100 वाट है ये हमें पता नहीं है, तो हमें 100 वाट निकालना है, तो 100 वाट निकालना है तो फिर हमें एम्पियर और वोल्टेज पता होना चाहिए, तो हमें एम्पियर और वोल्टेज पता है, तो मैं इस पे रख देता हूँ उंगली। अब निकालना वाट निकालना है, तो एम्पियर हमारे पास है 0.4166, और इसको करते हैं गुणा। दोस्तों इसको गुणा क्यों कर रहा हूँ इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा, अभी तक मैं भाग ही दे रहा था, अब मैं इसमें गुणा का साइन बताया है, ठीक है। और हमारे पास है 240 वोल्टेज, सूत्र नंबर ये है, तो 240 वोल्टेज ये आ गया, ठीक है। और एम्पियर हमारा ये यहाँ पे निकाला था, एम्पियर ये एम्पियर हमारा यहाँ निकाला था, ठीक है। अब हमें वोल्टेज पता नहीं है, तो हमें वोल्टेज निकालना है, तो यहाँ पे जो 3 संख्या है ये चीज़ें हमें पता नहीं है, वो निकालने का मकसद होता है, तो हम फिर से इसमें मैं करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे हो गया 0.4166, अब गुणा करते हैं 240, तो दोस्तों इसको मैं बराबर का साइन देता हूँ मैं, तो यहाँ पे हो गया 99.9984, तो दोस्तों लगभग 100 वाट ही हो चुका है, तो यहाँ का मान लेते हैं 99.9984, तो लगभग ये 100 वाट ही हो चुका है, तो ये 100 वाट हो चुका है। तो दोस्तों इस तरीके से आप निकाल सकते हो, आपको दो चीज़ पता होनी चाहिए, तीसरी चीज़ आप आसानी से निकाल सकते हो। तो दोस्तों आपको क्या करना, एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ, आपको क्या करना, किसी भी चीज़ का उपकरण का एम्पियर वोल्टेज या वाट निकालना है तो किस तरीके से करना है, तो आपको सिर्फ दो चीज़ का पता होना चाहिए, या तो आपका वाट पता हो या वोल्टेज पता हो, तो आप ये दो चीज़ पता होगी तो तीसरी चीज़ आप एम्पियर निकाल सकते हो, या फिर आपको एम्पियर पता हो या वोल्टेज पता हो तो आप वाट निकाल सकते हो, और या फिर एम्पियर पता हो या वाट पता हो तो आप वोल्टेज निकाल सकते हो। तो इसी का सूत्र है मैंने यहाँ पे तैयार किया है, और इसकी मैंने वैल्यू पुट करी है, और ये आपके सामने ये वैल्यू निकल चुकी है। तो दोस्त ये बिल्कुल सही तरीका है इसे निकालने का, और इसे समझने के लिए मैं आपको आसानी से बता देता हूँ, मैं आपको क्या करना है, डब्ल्यू इस तरीके से रखना त्रिभुज में, और आई और वी इस तरीके से रखना है, तो जो हमेशा ऊपर है W उसको इस तरीके से इसमें भाग देना है, और इसमें भाग देना है, और जो ये इस तरीके से इसका हमेशा गुणा होगा, जो आमने सामने होता है उसका हमेशा गुणा होगा, तो इसी तरीके से इसका निकलता है। तो दोस्तों मैंने क्या किया, W के अंदर मैंने I का भाग दिया तो ये वोल्टेज निकल के आ गया, और वाट के अंदर मैंने वोल्टेज के अंदर भाग दिया तो ये मेरा एम्पियर निकल के आ गया, और ये सूत्र यही है, और ये मैंने इन दोनों को गुणा किया तो ये वाट निकल के आ गया। तो दोस्तों वैल्यू हमें पुट करनी है और कैलकुलेट करना है, तो इस तरीके से हमें ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो दोस्तों इतना आसान है वोल्टेज और एम्पियर वाट निकालना। तो दोस्तों मैंने इस तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी, यदि आपको ये प्रैक्टिकल में ही समझना है तो आप मुझे बताएं, मैं इसके बारे में डिटेल वीडियो बना दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया, तो यदि आपको वीडियो समझ में आया तो कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताएं। जब तक के लिए दोस्तों ओके, थैंक यू, बाय।